नमस्कार साथियों, मैं अमरिंदर, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाल ट्रेनिंग पर्सनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है अप्लाइड मैकेनिक्स के सेकंड चैप्टर ला फोर्सेज के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। और न्यूमेरिकल्स लगाने में टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो हो सकता हो कि ये क्लास जो है आज के न्यूमेरिकल्स के चैप्टर की आखिरी क्लास हो, क्योंकि मे भी कल से आपका जो है थर्ड चैप्टर जो है स्टार्ट हो जाए। इसके अलावा साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि 23 फरवरी यानी कल से जो है संडे स्पेशल क्लास स्टार्ट हो रही है मैकेनिक्स की। संडे स्पेशल क्लास हो रही है, स्पेशल में ऑफलाइन क्लास होगा। ये हमने बताया था कि जो बच्चे गोरखपुर के आसपास से बिलोंग करते हैं, जो बच्चे गोरखपुर में ही रहते हैं, वो बच्चे संडे स्पेशल क्लास जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी टाइमिंग जो होगी 10 AM to 12 PM होगी। और जो बच्चे मान लीजिए बस्ती से या संत कबीर नगर से आते हैं, उन बाय ट्रेन आ सकते हैं, क्योंकि जो रेलवे स्टेशन आपका जंक्शन है, जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर मतलब पीछे वाली साइड से प्लेटफार्म नंबर 8 से जो कोचिंग की दूरी है मात्र 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर आप रेलवे स्टेशन से पैदल चल के भी कोचिंग तक जो है आ सकते हैं। और अगर आपको कोचिंग का एड्रेस चाहिए होगा तो गूगल मैप पर जो है आप लोग इलिग्जर जेई क्लासेज तो आपको गूगल मैप पे जो है इस कोचिंग का एड्रेस मिल जाएगा। और गूगल मैप की सहायता से बिना किसी से पूछे जो है आप कोचिंग तक आसानी से पहुंच सकते हैं। और इन्होंने बताया था संडे स्पेशल क्लास जो है इसकी फीस 100 रुपये मात्र है। 100 रुपये में आपको पूरा का पूरा सिलेबस, 100 रुपये एक संडे का नहीं है, 100 रुपये हर एक संडे का, पूरे संडे का मिला करके 100 रुपये फीस होगी। और 100 रुपये में आपको पूरा मैकेनिक जो है कम्प्लीट जो है समाप्त किया जाएगा। तो फीस बहुत ही कम है। जो बच्चे पास के नज़दीक से बिलोंग करते हैं वो जो है अगर इस क्लास को करते हैं तो उनको जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन हमने करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 33 तक हमने करवा दिया था। हम जो है कुछ कठिन क्वेश्चन लेकर के ही चलेंगे, आसान क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आसान वाला आप लोग खुद से कर सकते हैं। अगर नहीं लगेगा तो कमेंट करके बताइएगा कि जेके कपूर वाली बुक से आपको कौन सा क्वेश्चन लगाने में दिक्कत हो रही है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 40 और बाकी बीच में 33 से लेकर के 40 के बीच हम लोग लगाइएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है 2, 4, 6 √3 तथा 8 न्यूटन के 4 बल एक बिंदु पर कार्य कर रहे हैं, पहले और दूसरे बलों के बीच में 60 अंश का कोण है। पहला बल मान लीजिए 2 न्यूटन का है और दूसरा बल कितने न्यूटन का है, 4 न्यूटन का है। इनके बीच में जो कोण है ये 60 अंश का है, 60 अंश का कोण है। फिर कह रहा दूसरे तथा तीसरे बलों में कोण जो है 90 अंश का है, ये 90 अंश का कोण है। और तीसरा बल जो है 6 √3 है, ये 90 अंश का कोण है। और फिर कह रहा है कि तथा तीसरे और चौथे बल के बीच का कोण जो है 150 अंश है, तो 150 अंश है, तो 150 अगर जोड़े तो 150 प्लस 90 प्लस 60 150 300, तो यानी कि ऐसे कुछ आएगा, ये 150 अंश हो गया। फिर कह रहा है कि इनका परिणामी तथा इनकी दिशा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से आप लोग जो है, अब दो बल वाला पता है, इसको आप मान लेंगे यक्स डायरेक्शन मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। और इसको ऐसे बना लेंगे वाई, क्या बना लेंगे, वाई डायरेक्शन बना लेंगे। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग अब सभी बलों का जो है एक्स अक्ष के साथ कोण पता है, तो क्या निकालेंगे सभी बलों के क्षैतिज घटकों का बीजगणितीय योग। लिखेंगे सभी बलों के क्षैतिज घटकों का बीजगणितीय योग, क्षैतिज घटकों का बीजगणितीय योग, ये हो जाएगा समेशन एफ एक्स। सभी बल के साथ कास लगेंगे, जैसे 2 न्यूटन बल है ये एक्स अक्ष के साथ 0 अंश का कोण बना रहा है, तो लिखेंगे 2 cos 0 अंश। और प्लस ये वाला 60 अंश का कोण बना रहा है, तो इसको लिखेंगे 4 cos 60 अंश। और प्लस ये वाला जो है 6 √3 वाला, ये 90 60 150 बना रहा है, तो 6 √3 cos 150 अंश हो जाएगा। और प्लस ये वाला जो बल है, ये लास्ट वाला जो बल है, ये आपका है 8 न्यूटन का है, ये वाला बल जो है 150 60 150 300 का कोण बना रहा है, तो जाएगा 8 cos 300 अंश। कैलकुलेटर में टाइप करेंगे एक ही लाइन में इसका कुछ वैल्यू आ जाएगा, कुछ न्यूटन आ जाएगा, मैंने डब्बा बना दिया। ऐसे ही लिखेंगे सभी बलों के ऊर्ध्व घटकों का, क्या लिखेंगे, ऊर्ध्व घटकों का बीजगणितीय योग।
और समेशन क्या लिखेंगे, समेशन एफ वाई लिखेंगे, और सभी बलों के साथ क्या लगा देंगे, साइन लगा देंगे, सभी बलों के साथ सा लगा देंगे, तो यहाँ से आपका समेशन एफ वाई की वैल्यू आ जाएगी कुछ न्यूटन आ जाएगी। ये दोनों वैल्यू आ जाएगा समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई, तो आर बराबर क्या होता है, अंडर रूट समेशन एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आर का मान आ जाएगा न्यूटन में, और थीटा निकालना रहेगा, यानी परिणामी का क्षैतिज से झुकाव, दो न्यूटन वाले बल से झुकाव, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई हो गया, ये मान लीजिए आर हो गया, ये कोण क्या हो गया, थीटा हो गया। तो थीटा बराबर क्या निकालेंगे, टेन इनवर्स समेशन एफ वाई अपान समेशन एफ एक्स। तो यहाँ से थीटा का मान निकाल सकते हैं, इधर आपका क्या होगा समेशन एफ एक्स लगेगा, इधर लगेगा समेशन एफ वाई, तो थीटा का मान आ जाएगा कि थीटा आपका कितना होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग कैलकुलेटर से लगाएंगे तो आसानी से जो है लग जाएगा। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग जो है अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए बोर्ड पे सारा क्वेश्चन लगाने में थोड़ा दिक्कत है, तो हमने बताया था कि आप लोग एक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वो फ्री है सबके लिए, उसमें सभी लोग ज्वाइन हो सकते हैं, वो जो ग्रुप है टेलीग्राम पे है। आप लोग जो है टेलीग्राम ऐप एक होता प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, और प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पर सर्च करेंगे पॉलीटेक्निक पाठशाला, वहाँ पे सर्च करेंगे पॉलीटेक्निक पाठशाला, तो पॉलीटेक्निक पाठशाला नाम से आपको एक ग्रुप मिलेगा, और वहाँ पे ज्वाइन नीचे ज्वाइन लिखने का ऑप्शन आएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाएंगे, और ज्वाइन हो जाएंगे कोई भी न्यूमेरिकल फंसेगा तो आप लोग सारे लोग एक ही ग्रुप में ज्वाइन रहेंगे, कोई न्यूमेरिकल फंसेगा तो उसका फोटो खींच करके उसमें मैसेज करेगा। अब मान लीजिए जिसका वो न्यूमेरिकल लगा रहेगा वो उसका सलूशन जो उस ग्रुप में भेज देगा। तो इस प्रकार से यूपी के जो भी बच्चे मैकेनिक्स की क्लास मेरी कर रहे हैं, सारे बच्चे एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, सारे बच्चे उस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे से, तो जो भी प्रॉब्लम रहेगा आप लोग अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही कर सकते हैं इस ग्रुप में। अगर मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल के लिए किसी से नहीं लग पा रहा है, किसी से नहीं लग पाएगा तो हम तो हैं ही, तो हम ही क्या करेंगे उसका सलूशन करके जो है ग्रुप में सेंड कर देंगे, और आप लोगों को आसानी से क्या होगा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम पे जो है पॉलिटेक्निक पाठशाला वाला ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वो ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको जो है काफी हेल्पफुल मिलेगा, काफी हेल्प मिलेगा उसकी सहायता से आपको। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जो है सदृश समांतर बल पे सॉल्व करते हैं, सदृश समांतर बल पे सॉल्व करते हैं। कह रहा कि क्वेश्चन नंबर 47 है, कह रहा कि 8 न्यूटन तथा 4 न्यूटन की दो समदिश या सदृश समांतर बल किसी पिंड पर कार्य कर रहे हैं। एक बल आपका 8 न्यूटन का है और एक बल जो है 4 न्यूटन का है, सदृश समांतर यानी लाइक पैरेलल फोर्सेज हैं, इनके बीच की दूरी जो है 120 सेंटीमीटर है, बीच की दूरी कितनी है 120 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा कि सिद्ध करो कि परिणामी की क्रिया रेखा बड़े बल के मान से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मान लीजिए परिणामी ये आपका आर है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ये दूरी एक्स, मान लीजिए एक्स बराबर 40 सेंटीमीटर प्रूव करना है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, अगर इसको हमने एक्स माना है, ये दूरी हमने एक्स मान ली, एक्स बराबर 40 निकालना है तो हो जाएगा 120 माइनस एक्स हो जाएगा, 120 माइनस एक्स हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं आर बराबर क्या होता है, पी प्लस क्यू होता है, तो आर बराबर हो जाएगा 8 प्लस 4 बराबर 12 न्यूटन। और हम लोग क्या जानते हैं, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, तो बिंदु सी पे जब घूर लेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं पी बराबर 8 न्यूटन, क्यू बराबर कितना 4 न्यूटन, तो फार्मूले की सहायता लिख दीजिए पी प्लस क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस 4 बराबर 12 न्यूटन। और एक क्या हो जाएगा पी गुड़े ए सी बराबर क्यू गुड़े बी सी, तो यहाँ से P का मान 8 है, 8 गुड़े ए सी का मान क्या है x, यानी 8 इंटू एक्स बराबर जो हो जाएगा Q यानी 4, और BC का मान 120 माइनस एक्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 8x बराबर 12 चौक 48 4800 माइनस 4x, तो यहाँ पे इसको इधर ले जाएंगे तो 8 4 हो जाएगा 12x हो जाएगा 12x बराबर 4800 आ गया, तो x बराबर 12 चौक 48, तो ये कितना हो जाएगा x बराबर 12 चौक 48, कहीं गलत हुआ है क्या, सिद्ध करना है कि आपका जो है दूरी होगा ये 40 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ पे p गुड़े ए सी, तो 8 गुड़े आपका x हो गया, तो हो जाएगा यहाँ पे 8 गुड़े x बराबर हो जाएगा 4 गुड़े 120 माइनस एक्स,
तो यहाँ पे पड़ामी जो है, पड़ामी निकालना ही नहीं, केवल दूरी ही निकालना था, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो P गुड़े ए सी बराबर Q गुड़े बी सी से ही आपका निकल जाएगा, तो 8 गुड़े हो गए x बराबर 4 गुड़े 120 माइनस x, तो 8x बराबर ये 1248 ही 480 होगा, 48 होने गलती से लिख दिया, माइनस 4x तो हो जाएगा 12x बराबर 480, तो x बराबर कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। आपको जो है r का मान नहीं निकालना था, अगर r पूछेगा तो r भी निकाल देंगे। चलिए आगे थोड़ा सा और थोड़ा सा इससे कठिन क्वेश्चन लेते हैं, इससे कठिन क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा। पूरा पहले वाली बुक की तुलना में जो नए वाले बुक में क्वेश्चन बहुत आसान कर दिया है, जो टफ क्वेश्चन थे उनको एग्जांपल में डाल दिया है एक्सरसाइज का। अगर पुराना बुक देखेंगे जेके कपूर का तो उसमें क्वेश्चन जो है अब की तुलना में पहले से पहले टफ थे अब आसान आ गए हैं, पहले टफ क्वेश्चन थे अब आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर, कह रहा कि 100 मीटर लंबा एक सहतीर बीम के रूप में दो कुटियों पर सदा है। मान लीजिए 100 मीटर लंबा कोई सहतीर, मतलब ऐसे कोई राड है, सहतीर मतलब राड समझ लीजिए, दो कुटियों पर सदा है। मान लीजिए एक खूटी यहाँ पे है और अगर दोनों कुटियों के बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर है और इनमें से एक खूटी जो है सहतीर के सिरे पर है, मान लीजिए एक खूटी ऐसे यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर एक तरीके से ये सहारेगा और एक खूटी मान लीजिए यहाँ पे लगा हुआ है, एक खूटी जो है यहाँ पे सहारेगा और दोनों खूटियों के बीच की दूरी कितनी है 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है दोनों खूटियों के बीच की दूरी और टोटल लंबाई जो है 100 सेंटीमीटर है, तो यानी कि 20 सेंटीमीटर आपका क्या है बाहर निकला हुआ है, 20 सेंटीमीटर आपका बाहर निकला हुआ है। तो कह रहा कि इनमें से एक खूटी सहतीर के खूटियों पर बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो यहाँ पे क्या लगाएगा, ये प्रतिक्रिया बल लगाएगा, ये मान लीजिए आर ए है, यहाँ पे ये भी प्रतिक्रिया बल लगाएगा, ये मान लीजिए आर बी है, और इसका भार कहाँ पे कार्य करेगा एकदम बीचों बीच, भार कहाँ पे कार्य करेगा बीचों बीच, मान लीजिए डब्ल्यू यहाँ पे कार्य करेगा, तो ये दूरी जो होगी ये हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। कितनी होगी, यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं, ये दूरी कितनी होगी 50 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि सहतीर का गुरुत्व केंद्र हम मानेंगे बीचों बीच ही कार्य करेगा। ये पॉइंट मान लीजिए जी है, ये पॉइंट क्या है जी पॉइंट है, ये पॉइंट जी है, तो लिख सकते हैं संतुलन की स्थिति में इन इक्विलिब्रियम कंडीशन संतुलन की स्थिति में हमको आर ए और आर बी का जो है रेशियो निकालना है, आर ए और आर बी का रेशियो निकालना है, तो किसी ऐसे पॉइंट पे मोमेंट ले सकते हैं, यहाँ पे ले जी मोमेंट जी पॉइंट पे, समेशन एम जी इक्वल टू जीरो, जी पॉइंट पे सभी बलों के घोड़ों का बीजगणितीय योग जीरो होगा, हमने मोमेंट के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया था। अब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव ले लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे तो क्लॉकवाइज निगेटिव हो जाएगा, तो ये वाला जो बल है आर ए जो है देखेंगे इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको पॉजिटिव लेंगे तो बल हो गया आर ए और इसकी दूरी कितनी होगी 50 हो जाएगी, दूरी कितनी हो जाएगी 50, तो हो गया आर ए गुणे 50। अब ये वाला बल क्या होगा, ये वाला बल जो होगा आर बी इधर कैसे घुमाएगा, आर ए जो है क्लॉकवाइज घुमाएगा, आर ए क्लॉकवाइज घुमाएगा तो माइनस होगा, आर बी जो है एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएगा ऊपर की ओर तीर की दिशा है, तो ये हो जाएगा प्लस होगा आर बी और यहाँ से ये दूरी कितनी होगी, ये 80 है ये 50 है, तो ये दूरी हो जाएगी 30, कितनी होगी 30 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा आर बी गुणे 30, आर बी गुणे 30 बराबर 0, तो यहाँ से ले सकते हैं आर ए गुणे 50 बराबर आर बी गुणे 30, तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा आर ए बटे आर बी बराबर 3/5। तो क्या पूछा है इसमें, पूछा आपका कि खूटियों पर बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से ले सकते हैं आर ए अनुपाते आर बी बराबर 3/5, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 50 नंबर भी देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग 50 नंबर भी देख लेते हैं। पचास नंबर क्या है क्वेश्चन, कि
एक छड़ ए बी जिसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर है तथा भार 5 न्यूटन है, दो बिंदुओं पर सदी है। कोई छड़ है ऐसे, कोई ऐसे छड़ है जिसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर है तथा भार 5 न्यूटन है, दो बिंदुओं पर सदी है। एक एक बिंदु सिरे ए से, मान लीजिए सिरा ए, एक बिंदु सिरे ए पर, एक सिरा ए पर ही है, ये मान लीजिए यहाँ पे सदा हुआ है, यहाँ सब सपोर्ट है मान लीजिए सिरे ए पर, तथा दूसरा बिंदु दूसरे सिरे बी से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, यानी बी जो है बी से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, एक सपोर्ट यहाँ पे मान लीजिए, ये दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे हमने सपोर्ट लगाया, टेक लगाया है, इस पर सधा हुआ है, इसे खूटी ऐसे है, एक खूटी यहाँ पे, इसी के ऊपर कोई राड रख दे तो रुका रहेगा। तो फिर कह रहा है कि और इनका भार, इनके बीच की दूरी जो है 50 सेंटीमीटर है, ए बी की लंबाई जो है 50 सेंटीमीटर है, ये 50 हो गया, ये 10 हो गया, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसका भार जो है 5 न्यूटन, भार तो बीचों बीच लगेगा, भार कहाँ लगेगा, बीचों बीच लगेगा, भार लग गया बीचों बीच, भार बीचों बीच लग गया, तो यहाँ से ये दूरी हो जाएगी टोटल 50 है, तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 40 है तो यहाँ से ये दूरी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब फिर कह रहा है कि बताइए कि 2 न्यूटन के भार को कहाँ लटका जाए कि दोनों बिंदु पर दाब बराबर हो। अब देखिए इस पे ये जो बल है इसके नज़दीक है तो इस पे दाब ज़्यादा होगा, इसके इस पे दाब कम होगा। तो कह रहा है कि 2 न्यूटन के भार को कहाँ लटका जाए कि दोनों बिंदु पर दाब बराबर हो। तो मान लीजिए 2 न्यूटन भार को हम यहाँ पर लटका दे रहे हैं और ये दूरी मान ले रहे हैं यक्स है, और यक्स दूरी मानने पर यहाँ पर मान लीजिए रिएक्शन है आर ए है और यहाँ पर रिएक्शन जो है आर बी है। तो कह रहा कि 2 न्यूटन बल को कहाँ लटकाया जाए कि दोनों बिंदुओं पर रिएक्शन क्या हो, बराबर हो। तो प्रश्नानुसार हम लोग कह सकते हैं कि आर ए बराबर आर बी बराबर आर, हमने मान लिया है आर ए बराबर आर बी बराबर आर, हमने मान लिया है। तो उसके अकॉर्डिंग अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो है दोनों पर कहाँ लटका है, हमको x का मान निकालना है। अब x का मान निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, एक तो हम लोग लगा सकते हैं समेशन f y जब लगाएंगे तो आपका हो जाएगा जो ऊपर की ओर होगा उसे प्लस लेंगे, समेशन f y बराबर जीरो लिखा, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी कि संतुलन की स्थिति में पहले आप मोमेंट वाला ले लीजिए, आर ए बराबर आर बी बराबर आर है, यहाँ पे आर ए बराबर आर बी बराबर आर है, तो यहाँ पे जो है निकाल सकते हैं आर ए प्लस आर बी, या संतुलन की स्थिति में समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो, एफ वाई इक्वल टू जीरो में लेंगे क्या, जो बल ऊपर की ओर लगेगा उसे पॉजिटिव ले लेंगे, जो नीचे की ओर लगेगा निगेटिव ले लेंगे। तो बल नीचे की ओर है तो रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, तो आर ए और आर बी ऊपर की ओर हो गया आर ए प्लस आर बी, और माइनस होगा नीचे की ओर है माइनस दो माइनस पाँच बराबर जीरो, तो यहाँ से आर ए भी आर है आर बी भी आर है और ये हो जाएगा सात के, तो यहाँ से 2R बराबर आ गया 7, तो यहाँ से लिख सकते हैं R बराबर 3.5 न्यूटन, R बराबर कितना आ गया 3.5 न्यूटन। अब अगर हम लोग देखें, अब ले लें किसी एक पॉइंट पे मोमेंट ले लें सिग्मा एम ए इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे हमने मान लिया है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है, पॉजिटिव है। जब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हम लोग पॉजिटिव लेकर के चलेंगे तो यहाँ पे मोमेंट ले रहे हैं, तो इस बल का आर ए का जब बिंदु ए के अबाउट मोमेंट लेंगे तो बल गुड़े दूरी, तो आर ए का बिंदु ए से दूरी क्या, जीरो, तो आर ए गुड़े जीरो इसको लेना ही नहीं है। दो वाला इस बिंदु के अबाउट क्लॉकवाइज घुमाएगा तो हो जाएगा माइनस दो इंटू एक्स, दूरी क्या है एक्स है, हमको एक्स का मान ही निकालना है। अगला बल है 5, तो हो जाएगा -5, और दूरी कितना होगा, दूरी है 25, -5 × 25। और अगला क्या है, अगला आपका हो जाएगा आर बी, अगला क्या हो गया प्लस होगा, इस बिंदु के बाद एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो हो जाएगा प्लस, हम नीचे लिख दे रहे अगर नहीं दिख रहा हो आर बी, और आर बी की से दूरी जो है 40 है, आर बी गुड़े 40 बराबर जीरो, तो यहाँ से आ जाएगा -2x और -25 × 125, और प्लस आर बी का मान आर है, तो यहाँ लिख सकते हैं आर गुड़े 40 बराबर जीरो, तो यहाँ से हो गया -2x -125, और प्लस आर का मान है जो 3.5 × 40 बराबर जीरो, तो यहाँ से आ जाएगा -2x
-125 और +40 थी 120 और 40 का 140 हो जाएगा, 140 बराबर 0, तो यहाँ से हो जाएगा -2x बराबर, ये आएगा 15, उधर जाके 15 हो जाएगा, -15 होगा, माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर आ गया 7.5 सेंटीमीटर। यानी कि जो 2 न्यूटन का बल होगा वो बिंदु A से जो है 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। तो लिख देंगे 2 न्यूटन, आंसर लिख देंगे 2 न्यूटन बल को जो है बिंदु A से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएंगे तो दोनों पे दाब क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैक्सिमम क्वेश्चन हमने लगा दिया है, अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा क्वेश्चन नहीं लगा हुआ है। कोशिश करिएगा सभी लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप सभी की समस्याओं का समाधान जो है आसानी से हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड पे एक ही क्वेश्चन लगाने में जो समय ज्यादा कंज्यूम हो रहा है और सिलेबस अभी 2 चैप्टर भी हुआ है, अभी मान के लिए आपका 3-4 चैप्टर बाकी है, तो समय ज्यादा लग जाएगा। जितना जल्दी अगर आप लोग न्यूमेरिकल पे अपने से खुद लगाएंगे, ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, तो न्यूमेरिकल बताने में समय क्या होगा, कम लगेगा। थैंक यू दोस्तों।